जिन लोगों को कभी मंदिरों में नहीं घुसने दिया, आज महादेव उनके पैरों में आ गया, तो ये देखो कि बड़ा कौन है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना संविधान खतरे में है, कहीं ना कहीं उनका लालच भी खतरे में है, उनकी कुर्सियां खतरे में है। तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, उनकी कुर्सी खतरे में है ना, उनका वर्चस्व खतरे में है, तो आज उनको अम्बेडकर और संविधान याद आ रहा है। अरे भाई वो सरपंच भी ना बने कहीं की, तुम देख लेना आगे आने वाला टाइम में। एक MLA नहीं है उनका, जिस समाज के नेता चापलूस लालची और भ्रष्ट हो, उस समाज में आप कितना भी काम कर लो, वो समाज कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता। देखो जाति तो सबको पता है किसने बनाई है, इनके बाप ने मनु ने बनाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिव इंडिया और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संदीप, जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी रहे और देश में तमाम मुद्दों पर अपने वक्तव्य रखते रहते हैं। ऐसे में अभी देश में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा चल रहा है और तमाम चीज़ें चल रही हैं। संदीप जी क्या कहेंगे देश में हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे उसको? देखिए ये देश जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है और ये भारत है, और भारत जो है ना किसी एक धर्म का किसी एक जाति का राष्ट्र नहीं है। इसमें जितना हिस्सा हिंदुओं का है उतना मुस्लिमों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो परिकल्पना की थी भारत की, आज वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो इस देश को बर्बाद करने के लिए कभी हिंदू राष्ट्र का नाम लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, कभी कुछ करती हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ना देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि देश जो है वो सभी का देश है और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। तो हम सब भारत के नागरिकों का ये दायित्व बनता है कि वो इस देश को प्रोटेक्ट करें, किसी भी मनुवादी की साजिश में ना आए, किसी भी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो देश के नागरिक को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। सर अभी अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब की मूर्ति के सामने जो है शिवलिंग उन्होंने पूरा किया था शिवरात्रि वाले दिन। देखिए मैं तो इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ, उनकी कल्पना जो भी रही हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों को कभी मंदिरों में नहीं घुसने दिया, आज महादेव उनके पैरों में आ गया है ना, वही लोग ले आए जो मनवादी लोग हैं, महादेव को ला करके बाबा साहब अम्बेडकर के पैरों में ला दिया। तो ये देखो कि बड़ा कौन है इस देश में, बाबा साहब अम्बेडकर ज़्यादा बड़े हैं या महादेव ज़्यादा बड़े हैं? तो मेरा मानना यह है कि जिसको सज़ा महादेव नहीं दे सकता उसको बाबा साहब के संविधान से सज़ा मिलती है, और इनके राम को भी न्याय बाबा साहब के संविधान से मिला, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस धरती पर कोई आइकन नहीं है मानवता के लिए, और बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे महादेव हैं मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक आइडियोलॉजी है, और पूरी दुनिया को अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकरी जो आंदोलन है वो मानव मानव एक समान का आंदोलन है। जैसे गुरु नानक जी ने आंदोलन चलाया, रविदास महाराज ने आंदोलन चलाया, तमाम क्रांतिकारी लोगों ने जो आंदोलन चलाया वो मानव को मानव के बराबर रखने का आंदोलन था। जबकि जो ये लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र या पता नहीं कौन सी भाषा ये इस्तेमाल करते हैं, ये मानव को मानव से बांटता है, अलग करता है, विद्रोह पैदा करता है, एक दूसरे में द्वेष पैदा करता है। तो क्या बाबा साहब का भी जो हिंदूकरण किया जा रहा है, जितने से वहाँ शिवलिंग लगाया गया उनके चरणों में? देखिए बाबा साहब का हिंदूकरण नहीं किया जा रहा, ये तो आप लोगों की जो सोच है, मैं कहूँगा कि इसको दूसरे तरीके से आप देखिए कि हिंदुओं ने सरेंडर कर दिया बाबा साहब के आगे। जिस मंदिर में नहीं घुसा जाता था, बाबा साहब ने आंदोलन किया मंदिरों में घुसने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, आज महादेव उनके चरणों में ले आए वो लोग। तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ये अपनी ताकत को तो बहुजन समाज के लोगों को समझना है कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी ताकत है अम्बेडकर के रूप में। कहीं हाईजैक तो नहीं कर रहे बाबा साहब को ब्राह्मण? नहीं नहीं, ब्राह्मणों ने तो जब बाबा साहब अम्बेडकर उनके दामाद बने, उन्होंने आज तक दामाद नहीं माना ब्राह्मणों ने, तो वो हाईजैक क्या करेंगे? ये तो हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि हमें बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझ करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि 10वें अवतार है गौतम बुद्ध विष्णु के, आप उनकी तरफ से हो गया सर। लेकिन लगातार जो संविधान, जिसकी संविधान की आप बात कर रहे हैं, बाबा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, लगातार एक बड़ा तबका है वो ये बोल रहा है कि संविधान जो है अब खतरे में है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, कि आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि इस देश में अघोषित रूप से मनुस्मृति से राज हो रहा है, और वो आज से नहीं हो रहा, शुरू से ही हो रहा है। संविधान खतरे में है ये बात ठीक है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना संविधान खतरे में है, कहीं ना कहीं उनका लालच भी खतरे में है, उनकी कुर्सियाँ खतरे में है।
है ना। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में चार चार बार मुख्यमंत्री रही, उनकी कुर्सी खतरे में है ना, उनका वर्चस्व खतरे में है। तो आज उनको अंबेडकर और संविधान याद आ रहा है। जब वो उत्तर प्रदेश में जब SC ST कानून पे सबसे पहले संशोधन कौन लेके आया था, मायावती लेकर आई थी, जिसमें उसने अरेस्ट करने का अधिकार ख़त्म कर दिया था कि पहले जो है अरेस्ट बाद में करो, पहले उसका जो है ना उसका उसकी लीगल जो है ना पड़ताल करो, जांच करो। ये मायावती ने किया था, ठीक है। और वो मायावती ही आज कहती है कि समाज खतरे में है, देश खतरे में, उनके लोग ही कहते हैं। लेकिन बहुजन समाज तो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता 2004। अरे भाई वो सरपंच भी ना बने कहीं की, तुम देख लेना आगे आने वाले टाइम में। एक MLA नहीं है उनका, जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी दलाली करी अम्बेडकरवाद की, वो प्रधानमंत्री या वो CM तो बन के दिखा दें उत्तर प्रदेश की। और उनके परचिन्हों में कुछ और भी लोग चल रहे हैं, मूछे बढ़ जाने से ना बिल्ली की वो शेर नहीं बन जाते, लोग मूछे ताने के घूम रहे, बिना मूछे वाले ने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां तो कर रहे हैं सर। रैलियां नहीं, दूसरों की भीड़ में जाकर खुद दूल्हे बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना दूसरों की शादी में नाचने आ जाते हैं, DJ बजता है, शहरों में बहुत देखे हुए आप लोगों ने, तो दूसरों की शादी में टोपी लगाए घुस जाते हैं, कहते हैं हमारी है बेगानी शादी में अब्दुल्ला। अब दिल्ली रामलीला मैदान में करो ना स्थापना दिवस, पता चल जाए तुम्हारी औकात क्या है। वो तो जो आप बिहार में मध्य प्रदेश में देख रहे हो वो OBC महासभा की भीड़ थी, है ना, और बहुत सारे संगठन थे। अरे लोग रोड पे भालू को भी देखने आ जाते हैं, ये कौन तो इंसान है फिर भी। हिंदू राष्ट्र बनाने की सर बात शुरू हो रही है, क्या दिक्कत है सर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? देखिए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। ये राष्ट्र है और राष्ट्र लोगों से होता है ना, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग हैं इसमें, और जिनका देश है जिन जो ज़्यादा संख्या में है वो चाहते हैं देश संविधान से चले, और संविधान से न्यायप्रिय संविधान है हमारा। ये लोग नहीं चाहते जो मनुवादी लोग हैं कि देश संविधान से चले। सर लगातार इस तरीके के जो तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं पूरे देश में हो रहे हैं, जन जागृति बढ़ रही है, लेकिन उसी तरीके से उतनी स्पीड से बहुजनों के जो अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन लगातार होता जा रहा है, एजुकेशन का जो उनका सिस्टम है वो खत्म होता जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जागृति बढ़ रही है, दूसरी तरफ तमाम हक और अधिकार बहुजन के खत्म होते जा रहे हैं। देखिए जिस समाज के नेता गद्दार हों, जिस समाज के नेता बेईमान हों, जिस समाज के नेता चापलूस लालची और भ्रष्ट हों, उस समाज में आप कितना भी काम कर लो वो समाज कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो जिन लोगों के हाथ में भी समाज ने ताकत दी उन लोगों ने भी उन ब्राह्मणों का एक काम किया, है ना। आप देख लो मुगलों के राज में भी ब्राह्मण मजबूत था, अंग्रेजों के राज में भी ब्राह्मण मजबूत था, सबके राज में ब्राह्मण मजबूत रहा है, और उत्तर प्रदेश में मायावती के राज में भी ब्राह्मण मजबूत था, ठीक है। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको हाईजैक करना आता है दूसरे लोगों को, और हमारे लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जो हमारे नेता है वो ईमानदार नहीं है, उनको आपको कहीं ना कहीं टारगेट भी करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को ख़त्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुख से पैदा हुए ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण। अरे भाई ऐसा नहीं है, कौन सब जगह की पूरी दुनिया में प्रजनन का एक ही तरीका है, ग्रंथ तो ऐसा कहते हैं, ग्रंथ की इन्होंने खुद ही लिखे हैं, ग्रंथ भी लिखने वाले तो यही है। अभी मोहन भागवत नहीं कह रहा था कि मिलावट कर दिए, कह रहे जाति जो पंडित ने बनाई है। देखो जाति तो सबको पता है किसने बनाई है, इनके बाप ने मनु ने बनाई है, ये मनुवादी व्यवस्था है। बाबा साहब का भगवान कर रहे हैं सर, वो कोई विरोध नहीं कर पा रहा है आदमी, नहीं विरोधी है, विरोधी तो आप जो देख रहे हैं सम्मेलन जो देख रहे हैं ये विरोधी तो है। कल को मंदिर में लगा देंगे बाबा साहब की फोटो तो वहीं पूजा करेंगे, तो ये तो ऐसा ना जो दलित है इसको भी समझ नहीं है कि बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों ये एडवोकेट संदीप दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मिनिस्टर मेरे साथ मौजूद थे, तमाम बातें आपने सुनी हैं। एक बड़ी लड़ाई है बहुजनों के लिए, उस बहुजनों की लड़ाई के लिए एडवोकेट संदीप लगातार संघर्ष करते रहते हैं। आप एडवोकेट संदीप की बातों से कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर करें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।